सपने देखा था कि कैसे युइची ने गेम का रूल तोड़ के बोला कि सवारागी के अंडरवेयर का कलर कौन सा है। अब आगे इसी क्वेश्चन से को आगे बढ़ाते हुए सीबे से पूछता है कि तुमको भी जानना है ना कि इसके अंडरवेयर का कलर क्या है, बोलो तुम इसे पसंद करते हो ना। फिर वहाँ पे सवारागी शर्मा रही है, तुम इसमें क्या टमाटर जैसे लाल लो रहे हो, क्या शर्मा रही हो इतना, तुमको भी जानना है क्या तेंजी, बोलो तुम सब बोल सकते हो, तुम सब बस इतना बोलो प्लीज़ हमको बता दो। तो मैं बता सकता हूँ, खाली तुम बताओ, ऐसा करोगे नहीं, तुम ऐसा करोगे तुम तो रूल टूट जाएगा, तुम्हारा जो कर्ज है वो बढ़ जाएगा, और तुम ऐसा करोगे नहीं, और अभी मेरा कर्ज सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है, और तुम सब मिलके कोई ना मिलके कोको रोगी को फंसा रहे थे, अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरा कर्ज डबल हो गया, और मेरे कार्ड में ऐसा लिखा था कि इस गेम में जिसका भी कर्ज जितना भी डेफ जिसका सबसे कम होगा वही फंसेगा, ऐसा मेरे में लिखा था, अब मेरा सबसे ज़्यादा है और जो गद्दार होगा उसी का कम होगा। ये सुन के पिंक बाल वाली बोलती कि बहुत बढ़िया, ये इतना इसे कैसे पता चला, ये इतना समझदार है। फिर वो खुश इंप्रेस हो रही होती है, वो दूसरा वाला कहते तुम सोचो जैसे तुमको जीतना है तुम क्या करोगे, तुम पहले अपना कर्ज करने के लिए तुमको दूसरे लोग का हंटर करोगे ना, तुम पहले शिकार ढूंढोगे, उसी ने हंटर ने इसको शिकार बनाया, खाली तुम शिकार बन जाए तो शिकारी ऐसा ही होता है। ये युइची बंदा बहुत समझदार है, उसी ने उसको फंसाने के लिए ट्रैप रखा और उसने बोला इसे ऐसे उसने बोला उसने फंसा लिया ऐसी। तो ये दूसरी वाली लड़की कह रही होती है, ऐसे बता रही होती है पिंक वाल वाली को, बोलता है कि ये बहुत समझदार मॉन्स्टर है, ये कुछ तो इसका लग रहा प्लान, इसका दिमाग बहुत ख़तरनाक। वो बोलता है कि माफ़ करें यहाँ पर कोई गद्दार नहीं है, मैं सबसे भरोसा करता हूँ, ऐसे खुश होकर बोलता है फिर कि जैसे किसी कुछ हुआ ही नहीं। सब लोग हैरान कि भाई अभी हुआ क्या, अभी इसके शक्ल इतना सीरियस था। सब लोग बोलते चलो आखिरी मैच खेलो, सब उस पर उंगली रखने के लिए रखते हैं, खाली सब थोड़े डर रहे होते हैं। युइची बोल थोड़े गुस्से में रहता देख रहा होता है, वो बोलता है कि इसकी लुक देखो, ये इसकी शक्ल से ऐसा लग रहा है ये सबको आखिरी वार्निंग दे रहा है, जो बंदा गद्दार है ट्रेटर को इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है। वो पिंक वाले बोलते एक्साइटिंग, अभी मज़ा आ रहा है गेम का, मेरे को लगा ये गेम ख़त्म हो जाएगा, सब उंगली रखते उसके अंदर, और सब बोलते चलो इस बात चलेगा, सब लोग मन में सोच रहे होते हैं और सवाल पूछते हैं, और वो सीधे जाता है, और हमारी युइची सोच रहा क्या होगा अब, क्या सही है, सही होगा कि गलत, वो तेंजी सोच रहा होता कि क्या होगा, कौन गद्दार है यहाँ पे, हर किसी को पता नहीं रह रहा होता। फिर उसके बाद वो सोचता है कि चलो लास्ट के अंदर सबका इतना कर्ज है, वो तेंजी सोच रहा था कि ठीक है चलो, फिर उनका ना ये सही हो जाता है, वो खुश हो जाता है युइची, बोलता है कि मेरे को पहले से पता था हमें ऐसे ही होगा, हमें कोई था ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। फिर सब बोलता चलो हम फिर से स्टार्ट सेकंड गेम के अंदर सब स्टार्ट करते शुरू से, वो बोलते तुम्हारा हो गया ज़्यादा बोलना, अब बोल सकते हैं हम, मनाबू कहता है, जो बोलता चलो अगले गेम के लिए, वहाँ पे वो जाता नहीं है, अपना बोलता मैं अभी आता हूँ, युइची जूता बांध रहा होता है, खाली उसे पता रहता है, वो कार्ड में देखता है, वो समझ जाता है उस कार्ड के अंदर, वो उस पर कुछ लिखा रहता है और वो हैरान हो जाता है, वो वहाँ पर लिखता है कि जो ना युइची समझ जाता है ये इसमें कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर सवारागी आ जाती है, वो बोलते क्या हुआ, वो कह रहा मेरे को माफ़ करो, मेरे को लगा कि तुम ही थे ट्रेटर से गद्दार, और ना वो फिर हमारा ना वो युइची बोलता है कि मेरे को तुम लगी थी सच बताऊँ तो, और मेरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि तुम ही थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। सवारागी कहते हैं कि तुम बुरा तो नहीं मानोगे एक बात बोलूँ तो, वो ना मेरे को भी तुम लग रहे थे क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा गरीब हो और इसलिए तुम मेरे को लगा तुम चोरी करे। युइची कहते मैं गरीब हूँ तो क्या मतलब, ऐसा नहीं है मैं गरीब लोग चोरी कर सकते हैं, मेरा कोई मतलब नहीं था ऐसा चोरी करने का। फिर बता कि मेरे को माफ़ करो, ऐसी बात है मैं तुमको पसंद करती हूँ युइची, तुम मेरे को बहुत प्यारे लगते हो, तुम मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। युइची ब्लश कर लेता है, फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, फिर वो ना चिल्लाने लगे तुमने मेरे को बचाया था उस टाइम पे भी, तुम बहुत अच्छे हो, खाली मैं तुम पे ऐसे शक करने लग गई, मेरे को माफ़ करो इसके लिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। युइची कहता चलो कोई बात नहीं, मेरे को पता था, मैं भी माफ़ करो समझो, अभी भी हम अपनी फ्रेंडशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर तेंजी सब सुन रहा होता है, उनका सेकेंड गेम के लिए उनको एक फ्लोर पर ले आते हैं, वो सब बोलते चलो। मनाबू कहता है, फिर बोलता ये है बैड माउथ सोगी, इसके अंदर आपको ना एक प्राइवेट रूम मिलेगा सबको, वहाँ पे ना एक लेटर मिलेगा, उसके अंदर कुछ ना बुराई लिखना अपने दोस्तों के बारे में, और उस कार्ड के अंदर डाल देना है तुम कुछ भी लिख के अपने दोस्तों के बारे में, और उसके बाद तुम डालने के बाद मैं निकालूंगा उसको सबको और पढ़ूंगा, और जिसको ज़्यादा मतलब कि वोट मिले गॉड की तरफ से, हमारे कस्टमर गॉड है जो यहाँ पे फंडिंग देते हैं पैसे तुम उदाची गेम को, और वो आगे बढ़ेगा जिसका, और जो जो हर पर्सन को 4 लाख यान का रिवॉर्ड मिलेगा जो सबसे अच्छा रहा यहाँ पे, और एक बंदे को कर्ज पड़ेगा। वो कह रहा है कि वो जो हारेगा उसे सबसे ज़्यादा उसे लॉस मिलेगा, तेंजी पूछता होता है हाँ 1 मिलियन का उसे कर्ज पड़ जाएगा उसको जो हारेगा।
चल और थर्ड गेम वो अकेले ही से जाना पड़ेगा, बाकी लोग घर जाएंगे। बोला चलो थर्ड गेम, मेरे को लगता है नहीं तुम थर्ड गेम तक पहुँचोगे, और तुम्हें अपने फ्रेंड के सीक्रेट बताओ और उसे गिरा दो और इस गेम को ख़त्म करो, क्यों अच्छा गेम है ना मनामू, ऐसे गुस्से में कह रहा होता है। वहाँ पे सवार आगे कहता है कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, ऐसा गेम हम कर नहीं सकते, ये गलत बात है। फिर बोलता है कि आप कोई तुम्हारा पीछे रखने का कि आप कुछ कर नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते तुम। सब लोग तो ठीक है हम सब दोस्त हैं, हम सब कभी ऐसा करेंगे नहीं, हम मान लो कि उसे खाली रख दिया तो क्या होगा तो हमारा, उसे ऐसी बात कर रहे होते हैं। हम पर कुकोरी कहते हैं मेरे को विश्वास है सब पे। सब लोग बोलते हैं चलो हम सब ऐसा ही करेंगे। वो बोलते हैं कि ना देखो तुम इस बार किसी ने उन्हें रखा ही नहीं। सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, वो बोलते हैं चलो ऐसे ही करते रहेंगे हम। वो सबको ना 100 यान पे माइनस लग जाता है। वो बोलता है ना तुम सबको इतना लग गया, और बोलता है कि चलो ठीक है हम ऐसे ही करेंगे, साथ में रहेंगे, कोई किसी और को मत बताना, ऐसे कोई बात नहीं है हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे सीबे कह रहा होता है कि ऐसा रहा तो चलेगा ठीक रहेगा, कह रहा कि नहीं मनाबू कहता है ऐसा ठीक नहीं रहेगा, ऐसे तुम रहा तो सब पे कर्ज बढ़ जाएगा 6 मिलियन का 4 से। ओके तो ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारा गलत रहेगा, ऐसा तुम कर नहीं सकते और ऐसा तुम्हें बहुत प्रॉब्लम देगा तुम्हारे गेम के लिए, तुमको लिखना ही पड़ेगा। तो दूसरी बार भी ऐसे ही करते, तीसरी बार भी ऐसे ही करते वो, और कुछ नहीं लिखते, खाली पेपर डाल देते बैड माउथ वाले में। और फिर एक बंदा फिर बोलता है चलो ठीक है ऐसे लगातार होगा नहीं, मनाबू कह रहा होता है। वो बोलता है कि चलो सब लोग तो हम ऐसे ही करेंगे, सब लोग डरे होते हैं, सबका ना कर्ज पे कर्ज बढ़ रहा होता है धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे होते सब। फिर मनाबू हमारा ऐसे ही बता रहा होता है। फिर उसके बाद वो हमारा तेंजी यूची सोच रहा होता है कि अब क्या करूँ इस गेम के अंदर, मन में दिमाग लगा रहा, आइडिया ला रहा होता है कि कुछ करना पड़ेगा। तेंजी कहता है कि हाँ, वो बोलता है चलो, उसी पे कहता है शियो मेरे साथ। फिर वो ना तेंजी देखता है उसे गुस्से से, और ना थर्ड मैच होता है, कह रहा कि एक यहाँ पे चिट्ठी ब्लैंक नहीं है, किसी ने कुछ लिखा है, उसमें लिखा है सवार आगे सीओ, तुमको कहता है कि यूची पसंद है ना, यूची तुम्हें पसंद है ना, ये सीबे ने लिखा है ऐसे। और ये तेंजी हंस रहा होता है। फिर वो बोलता है ये बढ़िया तरीका है एक मैन और वुमेन के वो रोमांस वाली चीज़ में अपने दोस्ती का लगाना, जो फिर उन पर थोड़ा भड़ास हो जाता है। फिर यूची देख रहा होता है, उसे लगता है पता नहीं, वो लड़की कहती है ये सबसे बड़ा इशू है, ये इनको पड़ेगा। और रिजल्ट आता है और वहाँ पे सवारा की सीईओ आगे बढ़ जाती है, उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं कस्टमर से, और उस पर 5 लाख का कर्ज पड़ जाता है और वो आगे बढ़ जाती है। फिर उसे गुस्सा आ रहा होता है सीबे पे। फिर यूची बोलता है कि मैं नहीं, मेरे को नहीं पता था तुमको सीईओ पसंद करती है, मेरे को माफ़ करो। फिर वो तेंजी कहता है ये मतलब नहीं इसका, तुमने ऐसा क्यों किया और ये तुमने ही किया मेरे को लग रहा है, तेंजी कह रहा होता है। और तेंजी तुम शांत रहो, ये कोई गलत फहमी हो सकती है, सवारागी सीईओ कहती है, और मेरे डैड पुलिस ऑफिसर है और उसके डैड वो पब्लिक प्रोड्यूसर है, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं, हमको पता है हमारी फैमिली क्लोज है और ऐसी बात नहीं है, हमारे पेरेंट्स भी दोस्त है, तो ऐसा बात नहीं। मिकासा के डैड 2 साल पहले मर गए थे, वहाँ पे बता रही थी मिकासा मतलब कि तेंजी। वो फिर बोलता कि क्या मतलब, तुम उसे डेटिंग तो कहोगे नहीं, कहते तो झूठ है ना, ऐसे तो हो नहीं सकता ना, सीबे कह रहा होता है। फिर वो बोलता है मनाबू क्या मतलब उसका, इसके पास रोमांटिक फीलिंग ना हो तो समय से उसका हो सकता है, ये सब झूठ है, ऐसा मनाबू हंस रहा होता है। फिर वहाँ पे तेंजी बोलता है मिकासा तेंजी कि ऐसी बात नहीं है, अब मैं किसी और से लव करता हूँ, अभी भी कोई और है वो। फिर ऐसे कुछ कह रहा होता है, और मेरे को ये तुम दिमाग से हटा रहे हो सीबे, तुम ज़्यादा फालतू मत बोलो, तुमने ऐसा लिखने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। सीबे भी लड़ने के मूड में आ जाता है, क्योंकि वो बोलता है तेंजी तुम्हारी ऐसी की तैसी, और मारने पे आ जाता है। यूची बीच में आकर लड़ाई छुड़वा देता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो लड़की के पीछे। वहाँ पे कोकोरी रोग कहता है कि सारे ये दोनों लड़के एक लड़की के पीछे, और मेरे को लगता है यूची भी वैसा ही है। फिर वो बोलता है ये पक्का ये झमेला हो गया, लोचा हो गया। यूची कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ, खाली छोड़ूंगा, मैं नहीं लिखूंगा। और मैं समझ गई मैं भी ऐसा करूँगी, सवार आगे कहती है तुम जाओ। वो बोलता है कि चलो हम ऐसा करेंगे, हम गद्दार को ढूंढेंगे, ट्रेटर कौन है, ऐसे खाली मत लिखो कोई। फिर वहाँ पे मनाबू कहता है चलो इस बार 3 ने कुछ लिखा है 5 में से, अब कुछ तो गड़बड़ा है। इसमें देखा मोकोटो सीओ ना जूनियर में अपनी मम्मी के साथ ही नहाता था, कहता कि यूची 1 हफ्ते तक नहीं नहाता। और उसके बाद लास्ट में इसमें लिखा है सवार आगे सीओ, उसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है अपने मुँह की। फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, सवार आगे सीओ को ज़्यादा वोट मिलता है। सीबे पूछता है कि झूठ है ना, ये सच नहीं है ना सीओ सवारागी। वो आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद कहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं करा रखा ना, कहते कि मैंने प्लास्टिक से जा रखी तो तुम मेरे को अभी भी पसंद करोगे, तो मेरे दोस्त बनते रहोगे। सीबे कहते हैं ऐसा नहीं है मतलब। फिर वो लड़की कहती है पिंक वाल वाली, लगता है इनका फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय होने वाला है, अब इनका होने वाला प्लान, इनका मेरे को लग रहा है रोमांस के चक्कर में ये होगा, वो दोस्त इसलिए बनाते क्योंकि वो फन कर सके।
और बुली होने से, परेशान होने से बच सके, पैसे की मदद कर सकते, ऐसी तो दोस्त मतलब ही दोस्त थे सब सब। उसमें क्या कोई मतलब नहीं हुआ था, दोस्ती भी ख़त्म, कुछ मतलब ना हुआ तो। वो पिंक वाल वाली बता रही होती है वहाँ पे कोई रोगी चिल्ला रही होती है, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग इसके पीछे क्यों हो रहा है। कह रहा कि हाँ, किसी ना किसी को होना ही पड़ता है। वो गाली वाले वाली वाली लड़की बताती है कि ये तो गड़बड़ है। और कोई रोगी बोलते बोलते ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।